ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त ND24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं, वहां पर मुख्य सचिव भी इकबाल सिंह बैस नजर आ रहे हैं। और ये देखिएगा, ये इस वक्त की सीधे पौधारोपण विश्व पर्यावरण दिवस है आज, और इस पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से पहुंचे थे, और उसके बाद अब ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये देखिएगा मुख्यमंत्री जी पौधारोपण कर रहे हैं और मुख्य सचिव पानी दे रहे हैं। और जहां ऐसा हो जाए कि मुख्य सचिव यानी प्रशासन का एक मुखिया पानी दे और प्रदेश का मुखिया पेड़ लगाए, तो हमें लगता है मध्य प्रदेश आच्छादित हो जाएगा, पर्यावरण सुधर जाएगा मध्य प्रदेश का। ये सुखद तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है। ऐसे दिन जब पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जगह जगह से पौधारोपण करने की बातें सामने आ रही, लेकिन खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उन्होंने एक पौधा का रोपण किया है, और आज देखिएगा कि कुर्ता भी ग्रीन ही पहन रखा। समझते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, हरियाली बचाना है, हम सबको पौधे लगाना है, और यही एक शुरुआत मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और हम भी सबसे चाहेंगे कि जिस तरह का मैसेज मध्य प्रदेश की मुखिया ने दिया है, आप भी उसमें एक एक हाथ जरूर आगे बढ़ाइए। जहां मौका मिले वहां एक पौधा लगाइए, तो शायद हम रहे या ना रहे, लेकिन पौधा ये जरूर कहता है कि वो दुनिया को बचा के रखेगा, जलवायु को अच्छा बनाएगा। और इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, उन्होंने एक पौधा लगाया, पौधारोपण किया। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, और ND24 भी वहां मौजूद है। देखिएगा आमिर हमारे संवाददाता वहां पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए एक और पौधा का रोपण किया गया है, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग भी एक पौधा लगा दीजिए। चलिए, पौधा हम चाहते कि ND24 ने भी पौधा में अपना हाथ बटा दिया है। पत्रकार लोग हैं जो पौधा लगाए हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वहां पहुंचे हैं। आप देखिए कि यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खासियत है कि वो समझते हैं पेड़ों को लगाना है, प्रदेश को बचाना है, और कहां किसको किस धागे में बांध देना, ये उनकी बड़ी खूबसूरत एक कला है। शिवराज सिंह चौहान की सहृदयता, सहजता, सरलता सब कुछ दिखाई देता है। और पत्रकारों से भी उन्होंने एक पौधा लगवा दिया। ND24 भी वहां मौजूद है, हमारे संवाददाता आमिर नजर आ रहे हैं, और तमाम लोग इस वक्त, तमाम पत्रकार भी वहां पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, जरा सुन लेते हैं। आज विश्व फिर से यहाँ से आप आ जाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं मध्य प्रदेश की जनता से, सभी बहनों भाइयों से ये अपील करता हूं कि धरती को अगर बचाना है तो हमको पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। धरती की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, और विशेषज्ञ बताते हैं कि 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। अगर ये हालत रही तो ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और अनेकों प्राकृतिक आपदाओं का सामना
दुनिया को करना पड़ेगा। इससे बचने का एकमात्र उपाय है हम वृक्ष लगाएं, हम पानी बचाएं, भूजल स्तर बढ़ाएं, नदियां स्वच्छ रखें और प्रकृति का शोषण ना करें, दोहन करें। शोषण का मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से लेके नदियों को प्रदूषित करना, कार्बन गैसों का उत्सर्जन करना। लेकिन दोहन का मतलब प्रकृति जितना सहन कर सके, जिसकी पूर्ति कर सके उतना प्रकृति से लें। और हम ये भी याद रखें कि मनुष्य का तो सवाल है ही है, लेकिन धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे उनका भी इस पर हक है। इसलिए आने वाली पीढ़ियां और सभी प्रजातियों को बचाने के लिए हम पर्यावरण की रक्षा करें और साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हाँ, ये बात सच है कि लॉकडाउन में प्रकृति का एक नया रंग खिला है। अब कई जगह 200-200 किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही हैं। बड़े तालाब को देखो आप, भोपाल की आबोहवा देखो आप, ये और शुद्ध हो गई है। मनुष्यों के मुंह पर तो ये मास्क चढ़ गया, लेकिन पक्षियों का कलरव आप देख लें, उनको जैसे राहत मिली हो। और इसका संदेश एक ही है कि हम पर्यावरण बचाएंगे तो हम भी बचेंगे, धरती भी बचेगी। सर, राज्यसभा में फूल सिंह बरैया को लेकर कांग्रेस ही कह रही है कि उनको पर्याप्त मौका नहीं देगी, दिग्विजय सिंह जी ने उनको देना चाहिए था, कहीं कांग्रेस में आवाज। अब ये तो कांग्रेस सोचे, एक एससी नेता, अब वो एससी को लाना चाहते हैं या केवल राजाओं की रखना चाहते हैं, अब वो जाने। वो तो नाश्ता करने गया था बहुत दिन से, आग्रह था। तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे पौधारोपण करने। उन्होंने कहा है कि यदि दुनिया को बचाना है और प्रदेश को हरियाली से आच्छादित करना है तो हमें एक एक पौधा सबको लगाना होगा। और पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने सभी को बधाई दी और जिस तरह से पौधा लगाकर एक मैसेज देने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश सरकार वनों को बचाने के लिए कृत संकल्पित है, जलवायु को बचाने के लिए कृत संकल्पित है और हम सब मिलकर यदि एक एक पौधा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा भी होगा। और साथ ही जो पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका मकसद है कि पेड़ों को बचाएं, पर्यावरण को शुद्ध रखें, वो भी हम कर पाएंगे। तो एक सुखद तस्वीर, सुबह की तस्वीर, लेकिन जब वो पौधा लगाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो बात ही बात में उन्होंने और भी सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने फूल सिंह बरैया को लेकर भी कहा कि दलित नेता है, अब ये कांग्रेस तय करे कि राजा महाराजाओं के जरिए ही उसको चलना है, राजा को महत्व देना है या फिर प्रजा को महत्व यानी दलितों को महत्व देना है। तो उन्होंने एक कटाक्ष जरूर, एक तंज जरूर कस दिया सवाल पर। दूसरा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से वो आज मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा बहुत दिन से नाश्ता करने मुझे जाना था, नहीं जा पाया तो आज नाश्ता करके मैं आ गया हूं। लेकिन ये मुलाकात साधारण नहीं थी, ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। राजनीति में इसकी चर्चा निकलने वाले हैं, पर ये तस्वीरें आपको फिर दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है और पर्यावरण दिवस के मौके पर, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक मैसेज दिया है कि पौधे बचाइए, पौधे लगाइए अपने अपने घर के सामने। और जहां पत्रकार मौजूद थे उनसे भी एक पौधा उन्होंने लगवा दिया। दरअसल आज वहां पौधा का रोपण किया जाना है और हम सब यदि दृढ़ संकल्पित है जलवायु को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, तो दिन भर का मौका है, आप भी एक एक पौधा जरूर लगा दीजिए।